तो ब्लॉग जैसे कंटिन्यू बैक टू बैक बनाता था, इस तरह से नहीं था। मेरा रीज़न क्या है ना कि आजकल ना भाई, जैसे मेरा काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, और पहले दुकान में 2:30 बजे 3 बजे लगाता था, अब 12:30 बजे 1 बजे दुकान लगा देता है। तो थोड़े मोटे लगे थे भाई भीड़ भाड़ अभी। और कोई चटनी दो। तो वेलकम टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आपका भाई एच के सोनी। तो दोस्तों फिलहाल मैं आज है 10 तारीख, और फिलहाल मैं अभी आया था मैं अपडेट वगैरह लेने के लिए। तो अब निकलते हैं हम लोग घर की तरफ। और यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो ना भाई, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आपके भाई की वीडियो कैसी लगती है। और फिलहाल मैं अभी चला रहा हूँ किराए की गाड़ी। क्या गया हूँ भाई, यहाँ बैठे हुए हैं। ओ भाई मसाला वगैरह बना के गया था। चलिए फटाक से ब्रेड वगैरह कटिंग करते हैं हम लोग, बनाने की तैयारी हो गया है। धनिया पत्ती बचा है भाई, और सब्जी बनेगा सर सलगम का। अरे पत्ता गोभी देख रहे हैं आप लोग, बीन्स है, फूल गोभी, इसको साइड में रख दे। प्याज छील रही है मम्मी अभी फिलहाल में, तो फिलहाल में मम्मी अभी प्याज वगैरह छील रही है, और मैं जा रहा हूँ आपका रेड बनाने के लिए। और अभी बैठ गया हूँ मैं कटलेट बनाने के लिए, तो फटाफट से चलिए कटलेट बना लेते हैं हम लोग। इतना बना है और पूरा बनाना है भाई, फटाफट बनाते हैं। ओ भाई कटलेट वगैरह रेडी हो गया है, अब चटनी पीसने का टाइम आ गया है। और ये रहा इसी में मेरा ये मिर्चा और आदि है, और इधर रहा धनिया पत्ती। भाई अब क्या बच गया डब्बा, ये मीठा चटनी रेडी हो चुका है, ये मीठा चटनी रेडी हो चुका है। और मिक्सर का जार, और ये मूंग दाल है, मूंग दाल और चावल है मूंग चीला के लिए, ये देखिए। और ये मूंगोड़ी, चटनी रेडी हो चुका है, कटलेट वगैरह, और बचा क्या है प्याज काटने के लिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग प्याज काट लेते हैं भाई। तो प्याज काटने के बाद जा रहा हूँ भाई, अब नमक वगैरह डाल देता हूँ चटनी में, और सब्जी बन रहा है सलगम का। चटनी में नमक घर से ही डाल के ले जाता हूँ भाई। और मुंगोड़ी में नहीं डालूंगा, मुंगोड़ी इससे ज्यादा रहेगा, अभी नमक डाल दूंगा तो पूरा पानी छोड़ने लगेगा। अरे कढ़ाई लाया पापा, देखो कहीं होटल खुला था ना भाई, तो नहीं चला बंद हो गया ना, तो अपना सब सामान बेच रहे, तो वहीं से पापा कढ़ाई लेके आए हैं, मस्त हेवी में मोटा कढ़ाई है भाई। और इसका मात्र 500 रुपये देना है पापा को, 500 रुपये में ही लेके आए हैं वहाँ से खरीद के, मस्त बड़ा है भाई, काम आ जाएगा मेरा, धुल जाएगा ना एक बार लोहे का कढ़ाई, एक बार धुल जाएगा ना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इधर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, खाते हैं और निकलते हैं अब। और क्या अब क्या करना है, कटलेट को पैक करते हैं। और एक भाई ने तेल पूछा था मेरे से, तो तेल ये रहा, 2 लीटर तेल रखा हुआ है, बस इतना ही यूज है मेरा। मतलब ना मैं लिमिटेड तेल लेके जाता हूँ, जितना ना आज ही मेरा यूज हो जाए खत्म हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा बचा है तो कल, और कल इतना कम तेल लेके जाऊंगा कि कल ही खत्म हो जाए, बस 2 दिन, ज्यादा ज्यादा आज का आज या कल का कल, बस उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। चलिए पैक कर लेते हैं, टेम्पो वाले भाई साहब के पास मैंने कॉल कर दिया है, आ ही रहे होंगे वो। सामान वगैरह को निकाल लेते हैं भाई बाहर। क्या डाल रहा है सोनू, डीजल? डीजल। अच्छा एक्स्ट्रा में रखता है हमेशा एक बोतल? हमेशा। वाह भाई जा भी रहा है, अच्छा गिर रहा है, इससे प्लेट देगी तो गिर जाएगा। देखना ना झोला को, तो फटाक से जाकर कटलेट ले आता हूँ।
उस दिन ना जस्ट खाना खाया मैं, फिर कुत्ते कुत्ते गया, मतलब सामान इतना भारी सामान रहता है उसको उठा के लेके गया, वहाँ सामान रखा, फिर कुत्ते कुत्ते आया, फिर सामान लिया, उसके बाद फिर गया, इसलिए ना भाई उस दिन थोड़ा सा सांस फूल रहा था। सामान वगैरह लाद दिया है, ये पानी क्या करेगा सोनू, पानी डीजल वाले बोतल में पानी टायर में डालूंगा, डिस्क चपक रहा है। अच्छा टायर में डालेगा, डिस्क चपक रहा है तो ठीक हो जाएगा। हो भाई चलो, लकड़ी चम्मच, प्लास्टिक चम्मच, और यहाँ से निकालता हूँ लकड़ी चम्मच, दोना पत्थर निकाल लिए भाई, और बड़ा वाला दोना भी ना कभी कभी लेना जरूरी होता है, क्योंकि ना भाई आरा दोना तो मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, मेरे ग्राहक लोगों को पसंद भी है, लेकिन कोई कोई जो होते हैं ना भाई उसको आरा दोना भी नहीं चाहिए रहता है, ऐसी साइड में मतलब गोटा चाहिए रहता है बड़े दोने में, या फिर शीला उला भी हरे दोने में नहीं बनता है, इसके चक्कर में एक आध दो बड़ा दोना मेरे को लेना पड़ता है। भूल ही गया था कि मेरे पास सारा दोना है, पैसा ज़्यादा लिया है, चलो सुनो 50 रुपीस। कल क्या हुआ एक्चुअली में, जैसे भाई देखो कंटिन्यू बैक टू बैक ब्लॉग आ रहा है तो आप लोग इतना समझ सकते हो, ठीक मेरे से ये गलती हो गया क्या, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रीज़न क्या है, जैसे 200-250 दिन जो भी हो गया भाई, मतलब 200 दिन कम्प्लीटली हो चुका है ब्लॉग बनाते, तो ब्लॉग जैसे कंटिन्यू बैक टू बैक बनाता था इस तरह से नहीं था, मतलब रीज़न क्या है ना कि आजकल ना भाई जैसे मेरा काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, और पहले दुकान में 2:30-3 बजे लगाता था, अब 12:30-1 बजे दुकान लगा देता हूँ, तो इसके चक्कर में ना हड़बड़ी के चक्कर में ना खाना पीना में टाइम से नहीं खा पाता हूँ, इस चीज़ को ना मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ भाई, मतलब काम धाम ना थोड़ा ज़्यादा हो गया है मेरा, और क्या है ना दुकान बहुत जल्दी लगाना रहता है मेरे को, ठीक है इसको सिंपैथी नहीं बोल सकते, ये है कि मैं ना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये गलती है मेरा। बोलो गाइस लिट्टी खा लो ठंडा है, बोल छोटू, बोल गाइस लिट्टी खा लो ठंडा है, बोल गाइस लिट्टी खा लो ठंडा ठंडा है, मैं गर्म करके दूंगा, गर्म है अभी तो ठंडा बोला, बोलते गर्म करके दूंगा मैं, क्या देख रहा है भागवत गीता, हाँ बच गया फाइनली, सामान वगैरह जो है ना भाई कम्प्लीटली पूरा रेडी हो चुका है, और कस्टमर भी आ गया मेरे दुकान में, चलिए फटाफट से कटलेट निकालते हैं और बॉन वगैरह करते हैं भाई, भैया डबल डबल लगा दो, सिंगल सिंगल आपका सिंगल आपका डबल, फोड़ के लगाऊं गोटा गोटा लगाऊं गोटा गोटा, नहीं हुआ मेरा कितने से हुआ, कितना है भाई 50-150 रुपये और 180 रुपये, 180 रुपये से मेरा बोनी हुआ अभी, अच्छा वही तो मैं बोल रहा हूँ, 4 कैसे बोल रहे हैं लीजिए, और फिलहाल में मैं अभी निकाल रहा हूँ कटलेट, तूफान से चलेगा ना ब्रो, भाई मेरे को ना मैं हमेशा ना गर्म पानी पीता हूँ, लेकिन मेरे को ना अभी थोड़ा चिल्ड पानी पीने का मन है, नॉर्मली एक बोतल ले लेता हूँ पानी का, मिश्रा जी के पास से ले लेता हूँ, ज़्यादा चिल्ड नहीं लेकिन ठीक ठाक नॉर्मल टाइप से मिल जाएगा, लीजिए महाराज महाराज एक तो पानी बोतल ले जा रहा हूँ ना, हो भाई एक पानी बोतल लेने आया था, गर्म नहीं होगा ठंडा भी नहीं होगा ये, ठीक है लेकिन ठीक है भाई, ओ भाई
बिना मैं कटलेट ही निकाल रहा हूँ। टाइमिंग 3 बज गया है, मंगोड़ी ना मैंने अभी तक एक बार भी नहीं निकाला है, क्योंकि मंगोड़ी के लिए आज कटलेट ही कटलेट के कस्टमर आए हैं, मतलब आए पड़े हैं, कटलेट ही कटलेट निकाल रहा हूँ जो ना पहले बिक जाए। राजप्रदीप भी नहीं लगा, तो उनके भाई लगा रहे हैं दुकान, और एक दुकान नया लग रहा है यहाँ पर, पिज्जा वगैरह का दुकान लग रहा है भाई, सैंडविच वगैरह जो भी है, अभी वायरिंग वगैरह हो रहा है, शाम तक देखते हैं क्या क्या चीज़ें भाई साहब के पास। और चाय वाले भाई साहब लग नहीं रहे कि आज दुकान लगाएंगे, क्योंकि दुकान बंद है उनका, काफ़ी सारे दुकान लग चुके हैं, चौपाटी पूरा सुनसान है, बहुत ज़्यादा धूप है यार, पूरा धूप जल रहा है भाई, देख रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। काम करते हैं, से कुक ले लेते हैं भाई, गाय चलता है, नंदा निकाल भक्त भक्त सामान वगैरह पूरा पैक करना भाई। हाँ चलिए चलते हैं, अपन एक शेक ले लेते हैं, काजू शेक दुकान पे है नहीं। सरोड भैया कुछ पिलाओ यार फटाक से। जी जरूर, झटाक से शेक पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। आ रहा हूँ, एक कस्टमर भी आ गए उधर, थोड़ा कतरी डालिए। बस बोला बोल गया तुम, कुछ मीठा हो जाए। तीखा चटनी रहेगा, सिर्फ मीठा मीठा, नारियल भी डाल दो थोड़ा सा ना। हेलो, और दीपक भैया का दुकान भी लग गया, आपका डबल रहेगा सिंगल? डबल। बाबा कुछ खाएंगे? समोसा वमोसा कुछ, बीड़ी उड़ी कुछ लेंगे? बीड़ी समोसा खाएंगे? एक प्लेट ना भाई, मुंगोड़ी निकलना ना, अभी चालू हुआ है मुंगोड़ी। भैया कैसा लगा आप लोग को, आपको मुंगोड़ी? नमक उमक सब ठीक है ना? चले फटाक से घर यहाँ निकाल लेते हैं, 2-3 प्लेट पार्सल हो गया भाई, फटाफट से काफ़ी बेहतर है। आठ पीस पार्सल भाई कटलेट आपका, गर्मा गर्म। यस ब्रो, वेलकम भाई, मीठा कौन सा चटनी में? टमाटर वाले में आज पानी कम मिलाया हूँ ना। चौपाटी में बहुत कम ठेले लगे हैं, देखिए भाई आप लोग गिने चुने लगे हैं, इधर भी 1-2 ठेले गैप हैं, और भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है यार। क्या दीपक भैया, तो अभी लड़ी लगा दिए थे ना एकदम पूरे, मतलब कल भी इनका मार्केट नहीं था, तो कल का ग्राहक ब्याज ही मेंटेन कर लिए। कैसे दीपक भैया, थोड़े मोटे लगे थे भाई भीड़ भाड़ अभी। और कोई सी चटनी दो, अभी नमक ठीक है चटनी में ना? सुनसान है कोई, लगभग 5:30 के आसपास हो रहा है, मार्केटिंग का भाई कुछ भी नहीं पता, वैसे मेरा सामान निकल गया है। अभी ये मत बोलना भाई कि रो रहा है, मतलब रो कुछ नहीं रहा, मतलब सिर्फ मार्केटिंग बता रहा हूँ कि मार्केटिंग उस टाइप से नहीं, उस टाइप से होना चाहिए। मेरा सामान ठीक है, मैं कम लेके आता हूँ, कम लाओ कम बेचो खुश रहो। ऊपर का एक ट्रे मेरा निकल गया है, इसी के चक्कर में मैं हड़बड़ाए रहता हूँ, जल्दी दुकान लगा लेता हूँ। और नीचे का निकल गया है, नीचे का भी 2-3 लाइन निकल गया है, अभी पार्सल भी गया है 8-8 पीस, 9-9 पीस, 2-3-4 जगह, तो वैसे मैं जल्दी निकल गया भाई। पूरा सुनसान है, चौपाटी है देखिए आप। और अभी खा रहा हूँ मुंगोड़ी, हल्का नारियल चटनी, हल्का मीठा डाल लिया, थोड़ा सा प्याज। कटलेट निकाला भाई, लोग कटलेट खा रहे हैं, कटलेट ठीक है, गर्म है ना? ये क्या चीज़ है इतना सारा यार? गिफ्ट क्या चीज़ का गिफ्ट है?
अच्छा डांस कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट उन लोग के लिए गिफ्ट। अच्छा जो जीतेगा उसके लिए है? नहीं नहीं सबके लिए, जिसके पार्टिसिपेट सीनियर के तरफ से जूनियर लोग को गिफ्ट मिलेगा। अच्छा सीनियर के तरफ से जूनियर लोग को गिफ्ट है पूरा। बढ़िया यार, पूरा का पूरा एकदम फुल फुल दिख रहा है। वाह भाई एकदम लग रहा है कि उठा के देखूं क्या, हल्का है यार। ठीक है भाई, वही मैं सोच रहा हूँ भाई लोग इतना भारी भारी पन्नी लेकर कहाँ जा रहे हो, पन्नी फट क्यों नहीं रहा है। अभी थोड़े से इधर दीपक भैया की दुकान तक थोड़े मोड़े लगे हैं, मेरे पास तो खैर उतना है नहीं भीड़, मेरे पास ना कटलेट भी वैसे ज़्यादा नहीं बचा है, नॉर्मल ही बचा है लगभग 30 पीस के आसपास। हट ऊपर का एक ट्रे तो कब का फिनिश हो गया, बस 30 पीस के आसपास कटलेट बचा है बस, उसके बाद फिर अपन निकल जाएंगे भाई घर। बस ये लास्ट चीला है भाई, दो चार चीला बनाता हूँ सादा, दो चार नहीं सॉरी दो चीला बनाता हूँ भाई सादा, खाता हूँ उसके बाद निकलता हूँ। चेयर वगैरह सब कुछ मैंने ऊपर रख लिया है, बस एक गैस सिलेंडर रखना है उसके बाद फिर निकलना है। अभी 8 बज गया है, सामान वगैरह जस्ट अभी फिनिश हुआ है, मार्केट में था इसके चक्कर, मतलब मेरा एक लुता नहीं पूरे चौपाटी में किसी का नहीं था, भीड़ नहीं लगा है भाई आज, ऐसा लगा ना कि कोई ग्राहक ही नहीं है दूर दूर तक। चलो भाई फटाक से सामान वगैरह अंदर रखते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग घर की तरफ। पान खा रहा हूँ फिर खा के पान बना बस वाला, और सामान उमान रखने में 10-15 मिनट लग जाएगा, टाइमिंग 8:30 बज चुका है। भाई सामान वगैरह ले लिया, धनिया आज भी मिल गया वही रेट 30 रुपये किलो, मस्त फ्रेश धनिया है देखिए आपको, टमाटर उमाटर गाजर शिमला मिर्च लौकी प्याज सब कुछ ले लिया है। चलिए अब निकलते हैं हम लोग। और ये रहा झोला भाई, ट्रे सामने रखा था तो रोक दिया था कि गिरे ना, और इधर झोला वगैरह टांग के लेके आया हूँ। जो सबसे हल्का सामान था वो माँ को दे दिया, अब जो भारी भारी सामान उसको मैं लेके जाऊंगा। और कुछ सामान लाने के लिए ना भाई मैं सामान लाने में भूल गया था लेने, और लेने क्या गया था निर्मा, भूल गया था लाने के लिए भाई, सुबह बर्तन उर्तन धोना रहता है, काम रहता है, दिक्कत हो जाता है। तो भाई ये रहा निर्मा जीरा, अरे हमारे माता जी का बिस्किट, अरे चाबी पापा इन्हें दे देना। ओ भाई माँ, ए माँ पानी देना है गिलास, कहाँ बना रही है माँ, तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आपके भाई की वीडियो कैसी लगी। आज ना भाई सामान ना बहुत मुश्किल से निकला यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, निकल गया लेकिन सामान कम लेके जा रहा हूँ ना मार्केट के हिसाब से, भाई मेरे को पता है मार्केट का, मैं तो सामान ना मैं कम लेके जा रहा हूँ, जहाँ ना मैं ना 16-17 पैकेट लेके जा रहा था ना भाई, वहाँ ना मैं सीधा 12 पैकेट 13 पैकेट 14 पैकेट इस टाइप से ब्रेड लेके जा रहा हूँ, मतलब ब्रेड का कटलेट लेके जा रहा हूँ। गरम पानी, तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आपके भाई की वीडियो कैसी लगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे।